तो ये आत्म प्रबोध उपनिषद ओम प्रत्येक में व्याप्त आनंद रूप ब्रह्म पुरुष है और अकार उकार मकार यह तीन अक्षर वाला प्रणव का स्वरूप है। यही प्रणव ओम है। उसका जप करने से योगी सांसारिक बंधनों से छूट जाते हैं। शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले नारायण को नमस्कार। इससे ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उपासक वैकुंठ धाम को पाता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उपासक वैकुंठ धाम को पाता है। अब ये जो यह हृदय कमल है वह ब्रह्मपुर है। केवल वहीं बिजली अथवा दीपक के समान प्रकाशमान होता है। देवकी पुत्र ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मधुसूदन ब्राह्मणों के लिए हितकारी हैं। तो ये फ्रेंड्स महावाक्योपनिषद और आत्म प्रबोध उपनिषद का हिस्सा है। आप इसका अध्ययन ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। मुझे भी ऑनलाइन मिला था। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उपासक वैकुंठ धाम को पाता है। ओम प्रत्येक में व्याप्त आनंद रूप ब्रह्म पुरुष है और अकार उकार मकार यह तीन अक्षर वाला प्रणव का स्वरूप है। यही प्रणव ओम है। उसका जप करने से योगी सांसारिक बंधनों से छूट जाते हैं। शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले नारायण को नमस्कार। इससे ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उपासक वैकुंठ धाम को पाता है। अब जो ये हृदय कमल है वह ब्रह्मपुर है।